दोस्तों काफी लोगों के ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि एक जो जीडी का सोल्जर होता है उसका दिनचर्या क्या होता है, वो पूरे दिन में क्या क्या काम करता है और उसकी रात किस तरह की होती है, क्या उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, क्या उसकी ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, हर तरह की चीज़ें आती हैं दिमाग में दोस्तों। तो मैं ये वीडियो उसी पर दोस्तों बनाने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको इस चैनल में काफ़ी कुछ अच्छा जेन्युइन कंटेंट मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या होता है जीडी वालों का दिनचर्या। दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि भाई मैं किस तरह का मेरा डेली शेड्यूल रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आप बताओ, खुद सोचना कि भाई सुबह उठना होता है 4 बजे, 4 बजे उठा, 4 बजे आप जाओगे, ठीक है, 4 बजे उठ जाओगे, अपनी चाय लेके आओगे, चाय लेके फिर जो आपकी लाइन वगैरह जहाँ आप रहते हो वहाँ का थोड़ा मेंटेनेंस, साफ सफाई ये रखना पड़ता है क्योंकि जहाँ तुम रहोगे वहाँ कोई बाहर से बंदा साफ करने नहीं आएगा, वहाँ आपको खुद साफ करना है, अपना बिस्तर अच्छे से लगाना है, फिर उसके बाद आप चले जाओगे पीटी में। मान लो 5 बजे आप पीटी चले गए, पीटी समथिंग 1 घंटे की भी होती है, कहीं 1 घंटे 20 मिनट की भी होती है, ठीक है। तो मान लो फिर आप आते हो समथिंग 6:40 पे, ठीक है, 6:40 से 8 बजे तक आपका रहता है क्या ब्रेक टाइम, मैं कहूँगा उसी ब्रेक टाइम में आपको नहाना भी है, धोना भी है, ठीक है, नाना धोना भी करना है, खुद का मेंटेनेंस भी करना है, प्लस आपको अपना ब्रेकफास्ट भी करना है और आपका जो लाइन है फिर से एक बार नॉर्मल मेंटेनेंस करके फिर आपको जाना है अपनी ट्रेनिंग पे। तो मान लो आप समथिंग 8:30 बजे जाते हो ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग में आपका कुछ भी शामिल हो सकता है, जैसे आपकी फायरिंग क्लास भी हो सकती है, वेपन की क्लास हो सकती है, वेपन का खोलना चोलना ये भी क्लास हो सकती है। तो ये समथिंग मान के चलो आप आते हो 1 बजे, ठीक है, 1 बजे आए, 1 बजे आके आप पसीने, क्योंकि आपका जो इतने घंटे का जो ट्रेनिंग रहता है ना, जो मैंने बताया 8:30 से समथिंग 1 बजे तक, पर इसी ट्रेनिंग के बीच में दोस्तों आपको कोई सज़ा भी मिल सकती है जिसमें आपका फ्रंट रूल, बैक रूल, क्रॉलिंग, जिसमें आपकी दोस्तों पूरी ड्रेस ख़राब हो जाएगी। तो समथिंग 1:30 बजे आप आते हो, फिर आपको दोस्तों नॉर्मल सी बात है आप नहाओगे नहीं तो यार तुम्हें खुद दिक्कत होगी, नहाओगे, नहाने के बाद फिर आप खाना खाओगे और उसमें आप खाना खा के आप जैसी बिस्तर पे लेटे तब तक आपका जो प्लाटून हवलदार रहेगा वो बोल देगा कि अमित तुम्हें थोड़ा वर्किंग जाना है, इधर जाना है, या फिर कोई गाड़ी आई है, LS आई है, उसको लोड करना है, अनलोड करना है। तो भाई तुम भले सुबह से लेके अभी तक काफ़ी बिजी हो तुम मना नहीं कर पाओगे, ये नहीं कह पाओगे कि भाई मेरा लिमिटेड टाइम है, मेरा इतने घंटे का ड्यूटी होगा, अब मैं नहीं करने वाला। तो आप जाओगे, सपोज आप 2 बजे बिस्तर पे लेटे हो और आपको भेज दिया, तो 2 बजे आप जाओगे, सपोज 3 बजे आते हो, 3 बजे आ जाओगे, फिर 3:30 बजे या 4 बजे फॉलिन वगैरह हो गया, गेम फॉलिन में आपको अटेंड करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आप जाओगे, जो भी गेम होगा, पीटी होगा, आप करोगे, उसमें गेम खेलोगे, गेम खेलने के बाद आप सपोज आते हो आप 5:30 बजे आते हो, 5:30 बजे आओगे, उसमें आपका आप तैयार हो गए तब तक आपको आपका बता दे कि भाई अब तुम्हारी ड्यूटी है। तो भाई ड्यूटी तो नाइट ड्यूटी में दोस्तों आपको डेफिनेटली जल्दी पहुंचना पड़ेगा, तो आप जल्दी तैयार हो गए, तैयार होने के बाद आप वहां चले जाओगे जहां भी आपकी ड्यूटी है, फिर वो आपको ब्रीफ करेगा, ठीक है, तो वहां आपको जल्दी पहुंचना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा काफ़ी बिजी शेड्यूल है, फिर आपको ड्यूटी इतने थके रहोगे उसके बाद ड्यूटी भी आप दोगे, तो काफ़ी दिक्कत है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह का तो कोई लिमिटेड टाइम नहीं है, जो लोग पूछते हैं ना कि कितना टाइम होता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, तो आर्मी में कहूँगा 24 घंटे के आप नौकर हो, ठीक है, 24 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।